इन शहरों में जियो DTH हुआ लॉन्च, कीमत मात्र इतनी, ग्राहकों में दौड़ी खुशी की लहर। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जियो ने भारत में 2016 में कदम रखा था। इसके बाद कई अन्य टेलीकॉम कंपनियों की इससे बोलती बंद कर दी। जियो की ही देन है कि आज डेटा की और कॉलिंग इतनी सस्ती हो गई है। इसके बाद जियो ने अब ब्रॉडबैंड और DTH के क्षेत्र में कदम रखते भारत के कई शहरों में पूर्वलोकन के तौर पर अपनी इन नई DTH सुविधा को लॉन्च कर खलबली मचा दी है। ये ध्यान देने योग्य कि वर्तमान में रिलायंस जियो गीगा फाइबर दिल्ली NCR, मुंबई और अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में प्रीव्यू के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि इसे अभी पूरे देश में आधिकारिक तौर पर पेश नहीं किया गया है और उपभोक्ताओं को जियो ब्रांडेड और DTH सुविधा का लाभ उठाने के लिए शुरुआत में 4500 रूपए सिक्योरिटी का तौर पर जमा करने होंगे, जिसके बाद वे रिलायंस जियो गीगा फाइबर राइटर और इसकी अन्य सेवाओं के साथ डेटा का लाभ उठा पाएंगे। टेलको वर्तमान में इन क्षेत्रों में 100 Mbps गति के साथ हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट प्रदान कर रही है, जिसमें 100 GB डेटा सीमा निर्धारित है। गौरतलब है कि भारतीय बाजार DTH बाजार में पहले से ही टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी और फ्री डिश जैसे दिग्गज कंपनियां मौजूद है। हाल ही में मीडिया खबर आ रही है कि भारतीय एयरटेल की DTH बिग डिश टीवी का अधिग्रहण करने की राह देख रही है, जो कि महत्वपूर्ण DTH प्लेयर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि रिलायंस जियो गीगा फाइबर आगमन DTH उद्योग को कैसे प्रभावित करता है, हालांकि ये लहर कितनी देर तक रहती है और क्या ये मोबाइल टेलीफोन में क्रांति की तीव्रता को दोहराएगी, ये अभी तक का सवाल है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।